माता की, भारत माता की मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीपद यशो नायक जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, तीनों सेनाओं के उच्च पदाधिकारीगण, रक्षा सचिव, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल, मित्र देशों से आए हमारे मेहमान और देश के कोने कोने से यहां उपस्थित एनसीसी के मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहां हुए कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां जिन साथियों को पुरस्कार मिले हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे पड़ोसी देशों, हमारे मित्र देशों के भी अनेक कैडेट्स यहां मौजूद हैं। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। साथियों, एनसीसी देश की युवा शक्ति में डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और देश के प्रति डिवोशन की भावना को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। ये भावनाएं देश के डेवलपमेंट के साथ सीधी सीधी जुड़ी है। जिस देश के युवा में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में है। देश के 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। देश युवा है, इसका हमें गर्व है। लेकिन देश की सोच युवा हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। और युवा सोच का मतलब क्या होता है? जो थके हारे लोग होते हैं वे न सोचने का सामर्थ्य रखते हैं और न ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। वो किस तरह की बातें करते हैं आपने भी जरूर ध्यान दिया होगा। उनके मुंह से क्या निकलता है? चलो भाई, जैसा है एडजस्ट कर लो, चलो अभी किस तरह समय निकाल लो, चलो चलो यार आगे देखा जाएगा, अरे इतनी जल्दी क्या है, टाल दो ना, कल देखेंगे। साथियों, जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए कल कभी नहीं आता। आपको ज्यादातर जगह ऐसी सोच वाले लोग जरूर मिलेंगे। इस स्थिति को मेरे आज का युवा भारत, मेरे भारत का युवा इस स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो छटपटा रहा है कि स्वतंत्रता के इतने साल हो गए, चीजें कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ करके बैठे रहेंगे। वो इन समस्याओं का
शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। वो देश बदलना चाहता है, स्थितियां बदलना चाहता है और इसलिए उसने तय किया है कि बस अब टाला नहीं जाएगा, अब टकराया जाएगा, निपटा जाएगा। यही है युवा सोच, यही है युवा मन, यही है युवा भारत। अतीत की चुनौतियां वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक साथ काम करना होगा। साथियों, आप एनसीसी से जुड़ने के बाद इतनी मेहनत करते हैं, जब बुलाया तब पहुंच जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ घंटों तक ड्रिल, प्रैक्टिस सब एक साथ चलता रहता है। आपके भीतर ये जज्बा है कि पढ़ेंगे भी और देश के लिए कुछ करेंगे भी। लेकिन चारों तरफ बाहर क्या स्थिति मिल रही है? कभी यहां आतंकवादी हमला हुआ, इतने निर्दोष लोग मारे गए, कभी वहां नक्सली माओवादियों ने बारूदी सुरंग उड़ा दी, इतने जवान मारे गए, कभी अलगाववादियों ने यह भाषण दे दिया, कभी भारत के खिलाफ जहर उगला, कभी तिरंगे का अपमान किया। आए दिन लाखों करोड़ों के घोटालों की खबरें। स्थिति को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है, युवा भारत तैयार नहीं है, न्यू इंडिया तैयार नहीं है। साथियों, कभी कभी कोई बीमारी लंबे समय तक ठीक न हो तो वो बीमारी ही शरीर का हिस्सा बन जाती है। हमारे राष्ट्र जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी अनेक बीमारियों ने देश को इतना कमजोर कर दिया कि उसकी अधिकतर ऊर्जा इनसे लड़ने निपटने में ही लग जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कितने साल तक हम इन बीमारियों का बोझ ढोते रहते हैं और कितने साल तक टालते रहते हैं? आप सोचिए, जब देश आजाद हुआ तब से कश्मीर में समस्या बनी हुई है। वहां की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? तीन चार परिवार और तीन चार दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर को आतंक ने तबाह कर दिया। आतंकवादियों के हाथों हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं, कहीं पर वहीं के रहने वालों को, लाखों लोगों को एक रात में घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने को मजबूर कर दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आतंकियों की हिम्मत बढ़ाने वाली यही सोच थी। सरकार को, प्रशासन को कमजोर करने वाली यही सोच थी। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में
आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता है, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का पान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? जी नहीं, कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। सत्तर साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसी प्रॉक्सी वॉर में भारत के हजारों नागरिक मारे गए, हजारों जवान शहीद हो गए, लेकिन इसके पहले इसे लेकर के क्या सोचते? वो लोग सोचते थे कि आतंकवाद, ये आतंकी हमले, ये बम धमाके, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसी सोच की वजह से बम धमाके होते गए, आतंकी हमलों में लोग मरते गए, भारत मां लहूलुहान होती गई। बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इसका परिणाम क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी शांति कायम होती चली जा रही है। अलगाववाद, आतंकवाद को सीमित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उखाड़ फेंकने का दिन भी दूर नहीं होगा। साथियों, पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह की नीति अपनाई गई, जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसे भी आप भली भांति जानते हैं। दशकों तक वहां के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। वहां के लोगों को ही नहीं, वहां की समस्याओं को, वहां की चुनौतियों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। 5-5, 6-6 दशक वहां के अनेक क्षेत्र उग्रवाद से परेशान थे। अपनी अपनी मांगों की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी संगठन पैदा हो गए थे। इन संगठनों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था।
वो ये सोचते थे कि हिंसा से ही रास्ता निकलेगा। इस हिंसा में हजारों निर्दोष लोग, हजारों सुरक्षा कर्मियों को शहादत मोलनी पड़ी। क्या नॉर्थ ईस्ट को हम अपने हाल पर ही छोड़ देते? क्या अपने उन भाई बहनों की परेशानियों से, उनकी दिक्कतों से ऐसे ही मुंह फेर करके बैठ जाते? मेरे नौजवान साथियों, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज आपने शायद सोशल मीडिया में अपने मोबाइल फोन पर देखा होगा, शायद अखबार देखने का मौका मिला होगा, टीवी देखने का मौका मिला होगा, मीडिया में भी देखा होगा, बोडो समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पिछले 5-6 दशकों में देश के ऐसे क्षेत्र और विशेषकर असम जिस स्थिति से गुजरा है, उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई। क्या हम इस स्थिति को ऐसे चलने देते? जी नहीं, कतई नहीं। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। बोडो समझौता आज इसी का परिणाम है। कुछ दिन पहले मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जनजाति को लेकर हुआ समझौता इसी का नतीजा है। इस समझौते के बाद ब्रू जनजातियों से जुड़ी 23 साल पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। अब उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़ी चिंता से मुक्ति मिली है। बरसों से ये लोग विस्थापित का जीवन जी रहे थे, न रहने का ठिकाना, न बच्चों का कोई भविष्य। हमने सबको साथ लिया और एक समाधान खोजा। सबका साथ लेकर, सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, इस देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो ये नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, 30 साल से ज्यादा समय से हमारे देश की वायुसेना में एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं जुड़ा। पुराने होते हमारे विमान हादसों का शिकार होते रहे, हमारे फाइटर पायलट्स शहीद होते रहे, लेकिन जिन लोगों पर नए विमान खरीदने की जिम्मेदारी थी, उन्हें जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। क्या हम ऐसा ही चलते रहने देते? क्या ऐसे ही वायुसेना को कमजोर होने देते? जी नहीं। 3 दशक से जो काम लटका हुआ था, वो हमने शुरू करवाया। आज मुझे संतोष है कि देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन रफाल मिल गया है। बहुत जल्द वो भारत के आसमान में उड़ेगा। साथियों, हमारे यहां ऐसी भी सरकारें रही हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्हें जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने तक में तकलीफ थी। वर्ष 2009 से हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे,
लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्या मेरा जवान ऐसे ही आतंकियों की, नक्सलियों की गोलियों का शिकार होता रहता है? उसने देश के लिए मरने की कसम खाई है, लेकिन उसकी जान हमारे जैसों से कई ज्यादा कीमती है। और इसलिए हमारी सरकार ने न सिर्फ जवानों के लिए पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का आदेश दिया, बल्कि अब तो भारत दूसरे देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्यात की ओर बढ़ रहा है। साथियों, सेना के जवानों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक गौरव की भावना होती है। वो देश के लिए इतना कुछ करते हैं कि उन्हें देखते ही भीतर से सम्मान की भावना उमड़ पड़ती है। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल, सुनिए दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल पुरानी मांग को पहले की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। ये हमारी ही सरकार है जिसने 40 साल पुरानी इस मांग को भी पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया। साथियों, देश के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के लिए आजादी के बाद से ही नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग होती रही है। इसी तरह देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस मेमोरियल की मांग भी दशकों से की जाती रही है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इस एक काम के लिए 50-50 साल, 60-60 साल इंतजार करना पड़ा? ये कैसा तरीका था, ये कैसी सोच थी? भारत के शहीदों को भुला देने का पाप, ये पाप करने तक की कोशिशें हुई। आपकी युवा सोच, आपका युवा मन जो चाहता है वही हमारी सरकार करती है। आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल भी है और नेशनल पुलिस मेमोरियल भी। साथियों, आज पूरे विश्व में अलग अलग स्तर पर सैन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। वर्षों से देश में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि तीनों सेनाओं में सिनर्जी बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की जाए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर चर्चा ही होती रही, फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रही, किसी ने निर्णय नहीं लिया। सोच वही थी, क्या फायदा, चल ही रहा है, चलने दो। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, CDS के पद का गठन, CDS के पद पर नियुक्ति, ये काम भी हमारी ही सरकार ने कर दिया। उसी युवा सोच के साथ जो कहती है कि अब टालो मत, अब समय आ गया है, फैसला ले लो। और ये भी ध्यान रखिए, 1+1+1 अगर 3 होता है, 1 के साथ 1 जोड़ते जोड़ते 3 होता है,
सीडीएस की नियुक्ति के बाद जल सेना, थल सेना, नभ सेना, ये एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ ये तीन नहीं, ये 111 हो जाता है। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा किसकी सलाह से हुआ, किसके स्वार्थ की वजह से हुआ, क्यों जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत की कमान संभाली वो बंटवारे के लिए तैयार हुए, किन परिस्थितियों में मैं भारती के टुकड़े हुए, मैं इससे विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत ने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से ये वादा किया था, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी, यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए उस समझौते की भी भावना थी। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें, लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? जवाब दे ये लोग। साथियों, इनमें से कुछ लोग दलितों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। साथियों, कुछ समय पहले पाकिस्तान में वहां की सेना ने, अधिकृत रूप से वहां की सेना ने एक विज्ञापन छपवाया था। सेना ने विज्ञापन क्या दिया था कि सेना में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए वो विज्ञापन था। उन विज्ञापन के पढ़ने से चौंक जाएंगे। उन विज्ञापनों में क्या लिखा था? उनमें लिखा था सफाई कर्मचारी के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्लिम नहीं है। यानी ये विज्ञापन किसके लिए था? हमारे इन्हीं दलित भाई बहनों के लिए। इसी काम के लिए हिंदुस्तान के लोगों का उपयोग होना, और हम चुप बैठे रहे? पाकिस्तान में यह स्थिति वहां की है। साथियों, बंटवारे के समय बहुत से लोग भारत छोड़कर चले गए, लेकिन यहां से जाने के बाद ये लोग यहां की संपत्तियों पर अपना हक जताते थे। हमारे शहरों के बीचों बीच खड़ी लाखों करोड़ की इन संपत्तियों पर भारत का हक होते हुए भी ये देश के काम नहीं आ रही थी,
दशकों तक एनिमी प्रॉपर्टी बिल को लटका कर रखा गया। जब हम इसे लागू करवाने के लिए संसद में लेकर आए तो कानून को पास कराने में नाको चने चबाने पड़ गए। मैं फिर पूछूंगा, किसके हित के लिए ऐसा किया गया? जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वही लोग एनिमी प्रॉपर्टी कानून का विरोध कर रहे थे। साथियों, बंटवारे के बाद भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश के बीच भी कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद चलता रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। अगर सीमा ही विवादित रहेगी तो फिर घुसपैठ कैसे रुकेगी? अपने निजी हित के लिए विवाद को लटकाए रखो, घुसपैठियों को आने का खुला रास्ता दो, अपनी राजनीति चलाते रहो। यही चल रहा था हमारे देश में। ये हमारी सरकार है जिसने बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझा दिया। हमने आमने सामने बैठकर बात की, एक दूसरे को सुना, एक दूसरे को समझा और एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें दोनों देश सहमत हो। मुझे संतोष है कि आज न सिर्फ सीमा विवाद सुलझ चुका है बल्कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी आज ऐतिहासिक स्तर पर है। हम दोनों आपस में मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं। साथियों, भारत के बंटवारे के समय कागज पर एक लकीर खींच दी गई थी। इस लकीर ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब को हमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था। करतारपुर गुरु नानक देव की भूमि है, करोड़ों देशवासियों की आस्था उस पवित्र स्थान से जुड़ी है, उसे क्यों छोड़ दिया गया? और मैं कहना चाहूंगा, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया गया था, हमारी सेना के कब्जे में थे, देश कुछ भी टर्म्स तय कर सकता था, जो चाहे वो निकलवा सकता था। जब 90,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे तो करतारपुर साहब हम वापिस ले सकते थे, लकीर बदल सकते थे, लेकिन ये भी नहीं किया गया। दशकों से सिख श्रद्धालु इंतजार में थे कि उन्हें आसानी से करतारपुर पहुंचने का अवसर मिले, वो गुरु भूमि के दर्शन कर पाए। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर ये काम भी 70 साल के बाद हमारी सरकार ने ही करके दिखाया है। साथियों, श्री राम जन्मभूमि सदियों से मामला लटका पड़ा था, अदालत में केस दशकों से चलते रहते थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहम विषयों को लटकाओ, देश के लोगों को भटकाओ, यही चलता रहा। क्या क्या तरीके अपनाए गए ये देश ने भली भांति देखा है। आज इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस का भी फैसला हो चुका है। साथियों, दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारीकी से देख भी रहा है। मैं फिर कहूंगा, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। ये सही है
देश चुप जरूर है लेकिन बात को पूरी तरह समझ रहा है। वोट बैंक के लिए कैसे दशकों तक कैसे मनगढ़ंत झूठ फैलाए गए इसे भी देश जान गया है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके समस्याओं को दशकों तक सुलझने नहीं दिया। तुष्टिकरण की इसी राजनीति की वजह से मुस्लिम बहन बेटियों को दशकों तक ट्रिपल तलाक के भय से मुक्ति नहीं मिल पाई, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश अपने यहां ट्रिपल तलाक बैन कर चुके थे लेकिन भारत में ऐसा करने नहीं दिया गया। सोच वही थी, न बदलेंगे न बदलने देंगे, इसलिए देश ने इन लोगों को ही बदल दिया। यह हमारी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है। साथियों, जिस दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है उसी दिल्ली में, देश की राजधानी में आजादी के बाद लाखों विस्थापितों को बसाया गया। समय के साथ और भी लाखों लोग दिल्ली आए और बसे। दिल्ली में ऐसी 1700 से ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दशकों तक उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिला था। कहने को तो घर अपना था लेकिन कानून की नजर में वो नहीं था। ऐसे 40 लाख से ज्यादा लोगों की मांग थी कि उन्हें अपने घर का मालिकाना हक तो दिया जाए, लेकिन दशकों तक उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार ने कोशिश की तो उसमें भी रोड़े अटकाने के काम किया गया। ये युवा भारत की सोच है, न्यू इंडिया की सोच है, जिसने दिल्ली के 40 लाख लोगों के जीवन से उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। हमारी सरकार के फैसले का लाभ हिंदुओं को भी होगा, मुसलमानों को भी होगा, सिखों को भी होगा, ईसाइयों का होगा, न कोई धर्म का भेदभाव होगा, न कोई जाति का भेदभाव होगा। जिसका हक होगा उसे सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लिए प्रत्येक देशवासी का महत्व है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बैठा यहां पर बैठा हुआ हर नौजवान चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार हमारे देश के साधनों संसाधनों को दीमक की तरह चाटता रहा। कभी ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश ही नहीं की गई। हमारी सरकार जनधन, आधार और मोबाइल की शक्ति से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भ्रष्टाचार को काबू करने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने ऐसा करके 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत रुपये जो गलत हाथों में हो जा रहे थे, चोरी हो रहे थे, उसे जाने से बचाया है। साथियों, 1988 में देश में एक कानून बना था, 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाफ देश की संसद ने इसे पास किया था, लेकिन 28 साल तक इस कानून को लागू ही नहीं किया गया। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून को इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। संविधान की बातें करने वाले लोग, संसद की गरिमा की चर्चा करने वाले लोग, संसद के पास किए हुए निर्णय को टोकरी में फेंक दिया था। ये हमारी सरकार है जिसने न सिर्फ बेनामी संपत्ति कानून लागू किया बल्कि हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति इस कानून के तहत जब्त की जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में रसोई जितनी जगह से
छोटे से किचन की जितनी जगह हो उतनी जगह में 500-500 कंपनियां चल रही थी। कल्पना कर सकते हैं, ये किचन जितनी जगह में 500 कंपनियां, ये कंपनियां किस काम में आती थी? इधर का काला धन उधर, उधर का काला धन इधर, यही इनका काम था। आज मेरे नौजवान साथियों, आपको सुनकर के खुशी होगी, आज ऐसी 3.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध शेल कंपनियों को ताले लगा दिए गए, बंद कर दिया गया है। जीएसटी हो, गरीबों को आरक्षण का फैसला हो, रैप के जघन्य अपराधों में फांसी का कानून लागू कर रहा हो, हमारी सरकार युवा सोच के साथ लोगों की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। साथियों, 20वीं सदी के 50 साल और 21वीं सदी के 15-20 साल हमें दशकों पुरानी समस्याओं के साथ जीने की जैसे आदत हो रही है। किसी भी देश के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। हम भारत के लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीते जी इन समस्याओं से देश को मुक्त करें। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं में उलझा कर जाएंगे तो देश के भविष्य के साथ अन्याय करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, और इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के युवाओं के भले के लिए, सारे राजनीतिक प्रपंचों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर रहा हूं। मैं इन लोगों की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो सके। मैं सारी आलोचना, सारी गालियां सीना तान करके खड़े होकर के झेल रहा हूं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस स्थिति से गुजरना न पड़े। मैं हर गाली के लिए, हर आलोचना के लिए, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश को इन परिस्थितियों में अटकाए रखने के लिए तैयार नहीं हूं। आजकल ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसने दुनिया में मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, बातें फैलाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, वो जरा समझ लें, मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, और ये लोग बदलते हुए भारत को समझ ही नहीं पाए हैं। साथियों, अनेकों समस्याओं की बेड़ियों में जकड़ा हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और बेड़ियों को भी तोड़ रहे हैं। ये देश हमें ही मजबूत बनाना है, हमें ही इसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। साल 2022 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब ऐसी अनेक समस्याओं से हमें देश को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्याओं से ये मुक्ति ही इस दशक में नए भारत को सशक्त करेगी। जब देश पुरानी समस्याओं को समाप्त करके आगे बढ़ेगा तो उसका सामर्थ्य भी खिल उठेगा। भारत की ऊर्जा वहां लगेगी जहां लगनी चाहिए। 4थी औद्योगिक क्रांति में भारत को, युवा भारत को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें मिलकर एक आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत बनाना है। साथियों, वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है
ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा है। इसी ऊर्जा ने हमेशा देश संभाला है और यही ऊर्जा इसी दशक को भी संभालेगी। आइए कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें, समस्याओं के समाधान के आगे अब राष्ट्र निर्माण की नई मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है। इन मंजिलों पर हम मिलकर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश भर के मेरे युवाओं को, एनसीसी के कैडेट्स को, भारत के उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शौर्यपूर्ण और बहुमूल्य शब्दों के लिए हम बहुत आभारी हैं।